हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाति साउथ किचन। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर के आई हूँ और इस रेसिपी देखने के बाद आपकी बहुत सारे पैसा बचत होने वाला है। और ये रेसिपी है मोजरेला चीज। ये मार्केट में कितना महंगा में आता है आप सभी जानते हो। और ये मोजरेला चीज हमें बिल्कुल जैसे मार्केट जैसे ही हमें बनाएंगे, और इसका देख भी सकते हो, मैं आपको दिखाई यहाँ पर ये कितना इलास्टिक है, बिल्कुल आपके जो मार्केट में आते बिल्कुल वही टेस्ट और वही आपके इलास्टिक देखने के लिए मिलेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें मिल्क का यूज करेंगे और ईजिली ये 5 मिनट से बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ टिप्स का ज़रूरत है और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आप आराम से आप घर में ही इस मोजरेला चीज को रेडी कर सकते हैं। और हमारा चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इस तरह मजेदार रेसिपीज देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर ले रही हूँ और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। विनेगर जो है हमें दूध फाड़ने के लिए काम आएगी। अगर विनेगर जगह आप लेमन का जूस का भी यूज कर सकते हैं। और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर गाय का दूध। अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। जो भी दूध ले आप खुले वाला दूध यूज करें और कच्ची दूध होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चे दूध हमें लेना है यहाँ पर। और इसको देखिए मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया है और आप गैस में चढ़ाएंगे तो लो फ्लेम में इसको चढ़ाइएगा और इसको इस तरह देखिए चम्मच की मदद से आप धीरे धीरे इसको घुमाते रहिएगा। ये ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उबलना नहीं चाहिए, सिर्फ इसको इतना गर्म करना है कि इसमें जब हम फिंगर डिप करेंगे ना उसके जो गर्म है हमें बर्दाश्त कर सकें, 10 या 12 सेकेंड के तक हमें बर्दाश्त कर सकें तब तक आपको इसको गर्म करना। देखिए मैं यहाँ पर डिप करके दिखाई हूँ, उतना ये गरम नहीं हुआ है, मेरा जो फिंगर है वो बर्दाश्त कर रहा है। तो तभी हमें क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, बिल्कुल गैस बंद कर दिए हैं मैंने यहाँ पर, इंडक्शन बंद कर दिए हैं। अभी धीरे धीरे हमें जो विनेगर का जो मिश्रण है उसको 1-1 चम्मच करके डालेंगे और इस तरह धीरे धीरे हमें चम्मच से मिलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिलाएंगे, हमें 1-1 चम्मच डालेंगे और धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सारे विनेगर जो है डाल दी थी, फिर भी ये दूध जो है फटा नहीं, तो मैंने और 2 चम्मच की विनेगर और 1 चम्मच पानी डाल के मिक्स करके इसमें यूज कर रही हूँ। और वही मेथड से हमें और 1 चम्मच डालेंगे, इस तरह मिक्स करेंगे। फाइनली यहाँ पर जो है देखिए दूध जो है अच्छे से फट चुका है और हमारा यहाँ पर जो है छेना हमारा अलग हो चुका है, इस तरह हो जाना चाहिए। और हमें फटाफट से इसके अंदर से हमें सारे जो है चीज़ को निकाल देंगे। एक छन्नी रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह कपड़ा रख के इस चीज़ को हम निकाल देंगे। अगर आप दूध फाड़ते समय अगर आपका विनेगर का यूज पड़े तो आप 1-2 चम्मच को और भी विनेगर यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर सारे जो है उसी चीज़ को मैंने अलग कर दिया है। और देखिए इसमें से जो पानी निकला हुआ है इस पानी को फेंकिए मत, इसको सब्जी बनाने में या फिर आटा गूंथने में यूज कीजिएगा। इसको मैंने साइड किया है। अभी फिर से एक खाली वाला बर्तन ले रही हूँ और इस चीज़ में हमें क्या है पानी से अच्छे से इस तरह चम्मच से उलट पलट कर हमें ना सारे पानी से अच्छे से धोना है। इसमें जो जितना भी विनेगर फ्लेवर है ना वो सारे अच्छे से निकल जाए, इसलिए हमें इसको देखिए इस तरह मैंने सारे अभी मैंने इसके कपड़े से मैंने अलग कर दे रही हूँ और इसको हाथ से निकाल देंगे। इसमें जरूरी है कि इसका सारे पानी अच्छे से हमें निकालना है, इसके बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, ये इतना गर्म है कि इसमें ना ज़्यादा उबाल नहीं आना चाहिए, बस हमें जो थोड़ा गर्म होना चाहिए। और गर्म करके ये जो चीज़ है इसमें हमें डिप कर देंगे। डिप करके हमें 10 काउंट करेंगे, मतलब 10 सेकंड के लिए हमें छोड़ देंगे वैसे ही। और जैसे 10 काउंट कर लेंगे फिर से इसको निकाल लेंगे, निकाल के फिर से हाथ की मदद से इसको अच्छे से स्क्वीज करेंगे, अच्छे से इसके अंदर का जितना भी पानी है वो सारे हमें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह जो जैसे मैंने दबा रही हूँ ऐसे ही आपको बिल्कुल हाथ में दबा कर इसका सारे पानी निकाल देंगे। और जैसे निकाल जाए फिर से यही प्रोसेस
हमें फिर से हमें पानी में डालेंगे, फिर से हमें 10 तक काउंट करेंगे और फिर से निकालेंगे, फिर से हाथ के मदद से स्क्वीज करेंगे। इस तरह देखिए मैंने कैसे पीछे तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह प्रेस कर रही हूँ, वैसे आपको करना है। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको 5 से 6 बार तक करना है। यहाँ पर मैंने 5 टर्म्स किया है इस तरह ही, और ये आप देख सकते हो कितना काफ़ी इलास्टिक हो गया है हमारा ये चीज़। और देखिए फिर से हमें इस तरह देखिए फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से निचोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट हमें लेंगे एकदम चिल्ड वाटर। ये देखिए मैंने जो पानी लिया है इसमें थोड़ी बहुत मैंने आइस क्यूब डाल दिया है, या फिर आप बहुत ठंडा पानी हो उसको भी डाल सकते हैं। फिर इस चीज़ को मैंने डाल दिया है, फिर से इसको भी हमें वही मेथड से 10 सेकेंड के लिए छोड़ दिया था मैंने, फिर से 10 सेकेंड के बाद फिर निकाल देंगे। फिर से इसको दबा दबा कर हमें इसका अच्छे से सारे पानी निकाल देंगे। इस तरह मैंने 2 बार मैंने किया है, और 2 बार करने के बाद इसका सारा पानी जो है मैंने अच्छे से निचोड़ के ना इसका सारे पानी निकाल देंगे। इसका पानी सारा निकालना ज़रूरी है, तभी हमारा जो चीज़ है अच्छे से बन के रेडी होगी। फिर साथ में हमें यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से रैप कर लेंगे इस तरह, या फिर आपके पास पॉलिथीन हो पॉलिथीन में भी आप अच्छे से इस तरह ढक के, इसके अंदर जो एयर पास नहीं होना चाहिए इसीलिए इसको अच्छे तरीके से हमें ढक देंगे इस तरह। देखिए मैंने इस तरह पॉलिथीन अच्छे से रैप कर दे रही हूँ, और इसको ना हमें फ्रिज में रखेंगे, रिफ्रिजर में रखेंगे, और 2-3 घंटे में 2-3 घंटे के लिए ही रखेंगे इसको इस तरह। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 घंटे के लिए इसको रिफ्रिजर में रख दिया था, और अभी मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसे बना है ये चीज़ हमारा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट की जैसा चीज़। अब मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ, इसमें देखिए कितना शाइनिंग भी आ चुका है। और ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसको इस तरह देखिए लंबे में स्लाइसली कट भी कर सकते हैं। और देखिए, और इसको मैं ग्रेट करके भी दिखाती हूँ, आराम से ये ग्रेट हो जाएगी बिल्कुल। हमें ना इसको मार्केट जैसे ही बनाए हैं, और ये देखिएगा कितने सुंदर से अच्छे से ग्रेट हो जा रहा है। अब मैं इसको देखिए बड़ा वाला होल जो है उससे भी मैंने ग्रेट करके दिखा दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हो एक कितना एकदम खिले खिले बना है हमारा, एकदम चीज़ बन के रेडी हुआ है। और मैं इसको दिखाऊंगी भी। देखिए मैंने 2 इस तरह ब्रेड ले लिया है, कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ यहाँ पर मैं, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चीज़ स्प्रेड कर लिया इसके ऊपर। और एक पैन चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब ऑयल, और गैस की फ्लेम को लो में रख के इसको ब्रेड को रख देंगे, और साथ में 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के कुक कर दूंगी। उसके बाद मैंने दिखाऊंगी कि ये कैसे बनी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा जो है इसको लगा रखते हुए 3 मिनट हो चुका है, और अब मैं देखेंगे कि ये अच्छे से हमारा बाजार जैसे बना है या नहीं। और ये जो चीज़ मैं डाली थी ऊपर से, ये अच्छे से तो मेल्ट हो चुका है, लेकिन इसमें इसके जो तार है इसका जो इलास्टिक है ये बन रहा है या नहीं बन रहा है देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी। बस आपको मैंने जो कुछ टिप्स बताया है वैसे ही आपको फॉलो करना है, और वैसे ही मोज़रेला चीज़ आपका रेडी हो जाएगी। और जब भी मन चाहे आप पिज़्ज़ा बर्गर जो भी बना के तुरंत बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और भी इस तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो ग्रेट किए थे उस मोज़रेला चीज़ को, इस तरह मैंने एक डब्बे ले लिया है, या फिर टिफिन बॉक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर, उसमें आप इस तरह देखिए बटर पेपर डाल दीजिएगा, और ग्रेट किया हुआ इस तरह मोज़रेला चीज़ डाल दीजिएगा, और इसमें हमें इस तरह रैप कर देंगे। अगर इस तरह आपका नहीं है तो पॉलिथीन से भी ढक लेंगे, और इसको हमें इस तरह ढक्कन लगा लेंगे, पॉलिथीन में इसको अच्छे से रैप कर देंगे तो इसका एयर कंटेक्ट में नहीं आएगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसको ज़्यादा दिन रखने के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, अगर आपका 10 से 15 दिन तक यूज करना है तो इसको रिफ्रिजर में रख दीजिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज की रेसिपी, उम्मीद है इस रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।